अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं एक मरतबा फिर कैप्को को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कैप्को पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को मैंने हमेशा से कैप्को रिकमेंड किया है। रिकमेंडेड करने की वजह यह है कि कैप्को एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है और पावर सेक्टर में आप देखेंगे इस वक्त सबसे कम कीमत में मिल रही है। और कैप्को में अभी आप देखेंगे कि जब जनवरी में कैप्को अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करने जा रहा है और ये ऐसा स्टॉक है कि ये साल में अगर अर्निंग इसकी कम भी होती है तो डिविडेंड ये पूरा देता है। तो कैप्को में लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप कैप्को के टेक्निकल्स में जाएँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो मेन हमारा जो मकसद है काम करने का वो यही होता है सब लोगों का कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं। तो कैप्को एक ऐसा शेयर है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है और कैप्को ने मुझे 200% का रिटर्न दिया है और मैंने ये शेयर जो है वो हमेशा से अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि कैप्को के आप लोग टेक्निकल्स में ना जाएं, लेकिन जो कैप्को के इस वक्त पोजिशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है। आज आप देखें कि मार्केट आज पॉजिटिव हुई और काफ़ी अच्छा मार्केट ने कमबैक किया है। कल मार्केट 2500 पॉइंट नेगेटिव थी तो आज तकरीबन 1700 पॉइंट पॉजिटिव थी। चाहे मार्केट रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये देखें ये दोनों जो हैं रेड और ग्रीन, ये दोनों लाजिम और मलजूम है मार्केट के लिए। अगर मार्केट आपको मौका दे रही है जब बाई करने का किसी शेयर्स को, तो एक अपॉर्चुनिटी समझें उसको और टाइमली उसको बाई करें। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों को टाइमली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताऊं ताकि आप लोग उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो कैप्को इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर आ गया है। मैं कैप्को को डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जो लोग कैप्को में अभी एंट्री लेना चाहते हैं या जिन लोगों के पास है उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और किस तरह से आप इसमें डिविडेंड और प्रॉफिट गेन ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें व्यूवर्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो बात करते हैं कैप्को की करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त 27 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है और जब मार्केट ने करेक्शन ली थी तो उसके साथ साथ ये देखें मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है कैप्को। अब मार्केट पिछले दो दिन से काफ़ी नेगेटिव रही और जिसकी वजह से स्टॉक गिरता 27 पर आ गया, लेकिन ये जो है आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कैप्को को अभी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक मौका है कि वो लोग दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले कैप्को को एक्युमुलेट करना शुरू करते हैं। जनवरी में ये किसी भी टाइम अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर देगा तो और इसमें एक अच्छी मूव मिलेगी और डिविडेंड देगा तो इसमें बहुत अच्छा आपको शॉर्ट टर्म में ही कैपिटल गेन मिल जाएगा और साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा। तो 5 से 10 रुपये का ये गेम बन सकता है विद इन अ 1 मंथ में। तो बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की। मार्केट कैप इसकी 25 बिलियन की है। अर्निंग अभी सिर्फ एक क्वार्टर की आई है 1.34 और जनवरी में अब ये सेकंड क्वार्टर की अर्निंग अनाउंस करेगा तो सेकंड क्वार्टर में अर्निंग इसकी इंप्रूव होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 4 से 5 रुपये का डिविडेंड भी देगा। तो 4 से 5 रुपये का डिविडेंड और प्लस इसकी जो प्राइस गेन होगी वो 32 तक जो है ये इजीली जाएगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट इसमें मौजूद है विद इन अ 1 मंथ में। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और इसको होल्ड रखें और आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन और डिविडेंड कमा सकते हैं। जिन लोगों के पास है वो लोग इसको होल्ड रखें और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये डिविडेंड लाजमी देगा। बुक वैल्यू इसकी 76 है और ईयरली डिविडेंड ये 8.5 रुपये का डिविडेंड हर साल देता है, चाहे इसकी अर्निंग 4 रुपये हो 5 रुपये हो, लेकिन ये डिविडेंड जो है वो 8.5 से 9 रुपये का डिविडेंड देता है। हिस्ट्री का है इसका 99.40 है। आप देखेंगे मार्केट इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो बुलिश नज़र आ रही है, तो कैप्को जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। बहुत बेहतरीन टाइम है इसको एक्युमुलेट करने का। कैप्को मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है और मेरी सिंसियर एडवाइस है जो लोग अच्छा प्रॉफिट गेन और डिविडेंड लेना चाहते हैं कैप्को में, और ऐसे लोग जो न्यू हैं स्टॉक मार्केट में और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कैप्को को आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। तो व्यूवर्स, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि टाइमली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको गाइड करूँ ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूवर्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।